अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। तो बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इसमें लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि होगा, होगी, होगे, ठीक है, आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है होगा, होगी, होगे। एंड इंडेफिनिट की पहचान क्या लिखी है मैंने, ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या बननी चाहिए, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। जहाँ भी सेंटेंस में अगर गा, गी, गे आएगा तो क्या रहेगा, वो क्या, कौन सा टेंस रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, सेल या विल, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब आप बताइए कि सेल और विल कहाँ यूज़ होगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है दिमाग में, तो अभी कि सेल कहाँ आएगा और बिल कहाँ आएगा, बिल कहाँ आएगा, मैंने लिखा है सेल किस किस के साथ आता है, आई और वी के साथ, अगर सब्जेक्ट आई या वी रहेंगे तो सेल आएगा, और अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम रहेगा और यू दे रहेगा तो कौन सा सेंटर, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल आएगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत जल्दी क्लियर होता है। तो मैंने लिखा है कि वह खाना खाएगा, तो ही विल ईट फूड। अभी मैंने विल क्यों लिखा, बिकॉज ही लिखा है, और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जहाँ ही रहेगा वहाँ विल ज़रूर आएगा, ठीक है, तो ही के साथ विल आता है। ये अगर ही आए या ही की जगह पर एट सी नेम यू दे आएगा तो क्या रहेगा, विल ही आएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ वीडियो में आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, कि हम बाहर जाएंगे, वी सेल गो टू आउटसाइड। आउटसाइड मतलब किसी एक जगह से, मतलब बाहर, गेट से बाहर निकलना कहने का मतलब, तो वो क्या रहेगा, एक आउटसाइड रहेगा आपका, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है, गो के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, ये तो बहुत बहुत ही भाई, गो के साथ टू आता ही है। अभी मैंने लिखा है दीदी कोचिंग पढ़ाएगी, तो मैंने क्या लिखा है, दीदी या सिस्टर, आप दीदी भी बोल सकते हो और सिस्टर भी बोल सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, विल टीच कोचिंग, क्या रहेगा कि ये किसी का नेम है तो क्या आएगा, विल आएगा। अभी मैंने वी के साथ क्या लगाया, सेल लगाया, और दीदी के साथ क्या लगाया, विल। तो याद रखिएगा कि जहाँ आई और वी रहेगा वहाँ पर क्या आएगा, सेल यूज़ होएगा, और अगर इन दो सब्जेक्ट को छोड़कर जो, मतलब जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे कि ही, शी, इट, नेम एंड यू दे, तो इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ विल यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, आई विल किल यू, राइट। हम जब भी हम अग्रेसिव होते हैं किसी चीज़ के लिए, या हमें गुस्सा आता है, हम एंग्री हो जाते हैं, सो क्या रहता है, हम कई बार बोल देते हैं गुस्से, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से, है ना। तो क्या होता है कि जब हम विल यूज़ क्यों करते हैं, आपने कभी नोटिस किया, बताओ, जिस जिसको भी पता है वो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आई के साथ विल यूज़ क्यों होता है, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो आई के साथ विल इसलिए यूज़ होता है क्योंकि अगर आप किसी भी बात को जोर देकर बोल रहे हो कि यार मैं ऐसा कर ही दूंगा, ये मैं कुछ ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही लाइटली बोल रहे हो तो आप सेल का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि विल का यूज़ जब करते हैं जब आप किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में वजन देकर बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, मतलब ये तुम्हारा कि तुम्हारे माइंड का फुल ऑफ स्टेटस ऑफ माइंड है कि भाई मैं तुझे मार दूंगा, है कि नहीं। सो जब आप विल यूज़ करते, किसी भी सेंटेंस को हम जोर देकर बोलेंगे तो उसमें विल का यूज़ होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सेल या विल। अब सेल या विल मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेल किसके साथ आएगा और विल किसके साथ आएगा, क्योंकि सेल आई और वी के साथ आएगा, और इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें विल ही आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद नॉट लगाएंगे, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर वर्ड कुछ भी आता है, जैसे कि अभी इसमें क्या आया था, ये आया था आउटसाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की तरफ, वह कल ऑफिस जाएगा, तो क्या लिखूंगी मैं, ही विल गो टू ऑफिस टमोरो। टमोरो क्या है, टमोरो अदर वर्ड्स है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी ही के साथ मैंने विल यूज़ किया बिकॉज मैंने बोला ही सी इट नेम के साथ क्या आएगा, विल ही आएगा। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, मैं 10 बजे घर आ जाऊंगी, तो क्या, आई सेल कम टू होम एट 8 AM, 10
AM, ठीक है, मतलब कि मैं 10 बजे घर आ जाऊंगी। अभी मैं ये दो सेंटेंस दो एग्जांपल से क्लियर है। और हाँ, क्या बोलते हैं कि आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतनी ही बेहतर बनोगे। अभी तो मैंने ये दो एग्जांपल से आपको क्लियर करवाया, बट आप अगर आपको सीखना है, सही में सीखना है, आप चाहते हैं कि मुझे टेंस बहुत अच्छे से आने लगे जिससे कि मेरा जो वोकली है वो मैं इम्प्रूव कर सकूँ, सो वोकली लैंग्वेज आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके माइंड में जितने भी गागी वाले सेंटेंस आते हैं उनको आप इंग्लिश में बना कर देखिएगा। नहीं बनता है तो पेपर पे, नहीं बनते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए मिलिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में क्या होएगा, सेल या विल आएगा, इसके बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब मांगी जाती है। ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अदला बदली करते हैं, क्या होती है सेंटेंस की, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, अदला बदली, सॉरी वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेल या विल आगे आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्या रहेगा, फिर अदर वर्ड्स। अभी मेरे को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि सेल कहाँ आएगा, विल कहाँ आएगा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, दो बार हो चुका है मुझे कि किसके साथ क्या आता है। इसके बाद नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता था अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ड क्या होता है कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सेल और विल को आगे ले जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। सो इसके बाद ही नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। सो क्या रहेगा कि क्या मैं, मैंने क्या लिखा है, क्या मैं टीवी, सॉरी कैमरा हिल रहा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं कैमरे को अच्छे से रख लेती हूँ। क्या मैं टीवी देखूंगी, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि यार क्या मैं आज टीवी देखूंगी, सो क्या रहेगा, सेल आए सी टीवी। और अगर आप आज बोल रहे हो तो आप टुडे बोल सकते हैं, ठीक है। आप अगर शाम को बोल रहे हो तो आप इवनिंग बोल सकते हैं, ये होता है हमारा अदर वर्ड्स। मैंने क्या लिखा है, क्या तुम कल मुंबई जाओगे, तो मैंने क्या लिखा है, सेल यू गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है। इसके बाद आगे एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह कपड़े धोएगी, तो विल सी वॉश क्लॉथ, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ, ठीक है, एक मिनट। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कहेगा, सेल और विल आगे जाता है, एंड क्या रहेगा, सब्जेक्ट मतलब कि सेल हेल्पिंग वर्ब और क्या होगी, सब्जेक्ट की अदला बदली हो चुकी है। इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, नॉट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। एंड अभी हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, क्या वह नया लैपटॉप नहीं खरीदेगी, तो इसका क्या बनेगा, विल सी नॉट बाय लैपटॉप एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वह लंच के बाद ईमेल नहीं लिखेगी, विल सी सॉरी लिखेगा, लिखा है तो ही आएगा, मैंने लिखा है, लिखा है, ये लिखी, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा है, विल ही नॉट, आई एम सॉरी बट मैं नॉट लगाना भूल गई थी, इसलिए मैंने छोटे से शब्द में लिखा है कि नॉट राइट ईमेल आफ्टर लंच, क्या वह लंच करने के बाद भी मतलब कि ईमेल नहीं लिखेगा। अभी इसके बाद क्या लिखा है मैंने, क्या कार है भविष्य में बिजली से नहीं चलेगी, सो विल कार्स, पहले विल आएगा फिर कार्स आएगा, नॉट ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर, इन भी आएगा, मैंने लिखा है इन, ठीक है, याद रखिएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेकें हम कर देते हैं और हमारा आधा एक नंबर कट जाता है, क्योंकि हम एक 5 नंबर के आते हैं टेंस, तो एक नंबर में अगर हमारा आधा नंबर भी कट गया तो 4.5 नंबर मिलेंगे, और हमें बोर्ड परीक्षा के लिए एक एक नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये बात एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है कि हमें एक एक नंबर की कीमत पता होती है, ठीक है। सो ये आज का हमारा था, कौन सा टेंस था हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। जिसको कुछ जहाँ से भी समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया है, एंड इसके बाद आपको जहाँ प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तब भी कमेंट कीजिए कि हाँ मैम या हाँ दीदी मुझे अच्छा लगा या मुझे पूरा समझ में आया, और कहाँ कहाँ मैं अपना सुधार करूँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आप जब तक नहीं बताएंगे मैं नहीं समझूंगी कि मैं कहाँ गलती करती हूँ या मैं कहाँ सही जा रही। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड वीडियो पर इतने देर बने रहने के लिए शुक्रिया आप सभी लोगों का, एंड प्लीज़ यार कीप सपोर्टिंग, ठीक है। इसके बाद
हाँ एक चीज़ और कि इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी मैंने तो दो दो तीन तीन एग्जांपल्स आपको क्लियर करवाया, बट अगर आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाइएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि यार मैं सही जा रहा हूँ, या मैंने सही किया, या मैं पूरा समझ गया हूँ इसको। ठीक है ठीक है, तो वीडियो में इतनी देर बने रहने के लिए शुक्रिया। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। वीडियो पर इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।